के सुंदर करता तैयार है हमारे घर सभी युवा साथी कर मेहनत से पूरा का पूरा 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 तू सूर्य के रंगों में हम लोग रंग चुके हैं, हमारा नाम भी रंग चुका है, हमारा काम भी रंग चुका है और हमारा आचार विचार पूजा पाठ तमाम तरह से दूसरे धर्म के अनुसार रंग चुका है। इसीलिए मैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर पहाड़ से लेकर पनबरा से लेकर माथों से लेकर पहन लोगों से लेकर हमारे नेता विधायक सांसद सारे लोग सरनामा के शरण में आए और सरनामा का रंगों में तन से मन से अंतःकरण से भर जाए। इसीलिए मैं सरनामा का आह्वान कराता हूं ताकि रियल में आप लोग मुंह खोल के पेट से आवाज करना, ताकि वो आवाज यहां तक सीमित नहीं रहेगा, ये आवाज YouTube के माध्यम से हमारे आदिवासी समाज के एक एक व्यक्ति, जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे कि चितरंजन उरांव YouTube के माध्यम से आज हजारों नहीं लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं। प्रत्येक दिन मैं देखता हूँ कम से कम 30,000 से 35,000 कभी कभी 50 कभी लाखों में पहुंच जाता है, तो उनके लिए ताली बजा दीजिए जोर से। और यहां जो आयोजन कर रहे हैं इनको लिए एक ताली बजा दीजिए जोर से, जोर से ताली बजाइए, जोर से, जोर से और जोर से बजाइए। जय दिनेश, हाथ उठा के अभी हाथ उठाना और जोर से आवाज देना, ये आवाज आपको पवित्र करेगा। मैं आवाज इसलिए करवाता हूं कि मैं अंदर से हमारे अंदर में जो भगवान है सर्वशक्तिमान है, क्या है सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान की जब हम पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर पूजा पाठ के प्रति टोका टोकी नहीं करेंगे। आज हम लोग पूजा पाठ में टोकाई कर रहे हैं, क्यों टोकाई कर रहे हैं, इसलिए कि सत्य को पकड़ के नहीं रखे हैं हम लोग, पकड़ रखे हैं तो असत्य को, हम लोग पकड़ रखे हैं तो देवी देवताओं को, हम लोग पकड़ रखे हैं तो जो आत्मा है उनको पकड़ के रखे हैं, और हम लोग उस चीज को पूजा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं जो भूत बन गए, जो प्रेत बन गए, जो डायन बन गए, और इसी चीज में हम लोग उलझे हुए हैं। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हम लोग उस धर्मेश को पूजा करना चाहिए जो धर्मेश सारा संसार का निर्माण किया, सारा जीव का निर्माण किया, सारे जंतु का निर्माण किया, सारा जगत का निर्माण किया, सारा हवा पानी और सारे चीज को निर्माण किया, उस धर्मेश को मैंने पूजा करने के लिए बात करता हूं। जब धर्मेश की पूजा करेंगे तो वहां पर कट्टरता नहीं आएगा। ऐसे भी हमारे समाज के लोग, सन्न समाज के लोग प्रकृति के पुजारी होने के नाते कट्टरता नहीं है, इसलिए कट्टरता नहीं है, जानते कि हम लोग एक स्वभाव से एक शांत है। सबके लिए आदिवासियों के लिए ताली बजा दीजिए, हम स्वभाव से क्या है एक शांत स्वभाव के, शांत स्वभाव होने के नाते हम लोग को थोड़ा सा आंख बंद कर ले, हाथ उठा लीजिए दोनों हाथ एक बार आराम से, सब उठा लीजिए, जितने भी आवाज आ रहा है सबके ऊपर कृपा बरसेगा, और आंख बंद करके और आप अपने मन को एकाग्र करें। जो आप ही आपका मन घर में चला गया है, परिवार में चला गया है, धन में चला गया है, दौलत में चला गया है, संपत्ति में चला गया है, और कहीं आपका मन भटक रहा है, उस मन को सरनामा में स्थित करो, धर्मेश में स्थित करो, हमारी जो सुपर पावर जो चाला माँ है उसमें स्थित करो और कहें जय धर्मेश, बोलिए जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, हे धर्मेश, हे धर्मेश, हम सभी को आशीर्वाद दो, हम सभी लोग मिलके गुट्टो शर्मा से, सुट्टो शर्मा से आवाज दे रहे हैं, पुकार रहे हैं, हमारे अंदर छल है, कपट है, लोभ है, लालच है, इस चीज को दूर करो। जय सरनामा, जय सरनामा, हे सरनामा, हे सरनामा, हमें आशीर्वाद दो, हमें ताकत दो, पानी में ताकत दो, विचार में ताकत दो, भाव में पवित्रता दो, खाने में पवित्रता दो, रहने में पवित्रता दो, और हमें शुद्ध करो, पवित्र करो, ताकि हम आपके सत्य मार्ग पर चल सके, सत्य मार्ग पर चल सके। अभी माँ आशीर्वाद दे रही है ऐसा महसूस करो, माँ सरना माँ
झंडा लेके यहाँ पर पेड़ के सामने से आशीर्वाद हो रहा है, वो आशीर्वाद को अपने अंदर अंतःकरण को छूने दो, अपने अंतःकरण को छूने दे कि धर्मेश मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है, जिससे कि हमारे अंदर में शुद्धता आ रही है, शुद्धता आ रही है, शुद्धता आ रही है, शुद्धता आ रही है, शुद्धता आ रही है। शांत हो जाए 30 सेकंड तक और माँ को याद कर। सभी लोग धरती माँ को प्रणाम करेंगे और आँख खुलेंगे। धरती माँ को प्रणाम कीजिए, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अच्छा लगा? किसको किसको अच्छा लगा हाथ उठाना? सबको अच्छा लगा। माँ आशीर्वाद बरसा रही है, माँ आज पुकार रही है कि आओ मेरे आदिवासी परिवार के बच्चे शरणा में आओ, यहाँ आओगे तो आपका प्रेम मिलेगा, यहाँ आओगे तो आपका संगठन होगा, यहाँ आओगे तो आपके अंदर प्यार आएगा, यहाँ आएगा तो आज लड़ाई और झगड़ा क्यों रहा है? इसलिए सत्य को नहीं पकड़ रखे हैं, असत्य को पकड़ रखे हैं, लोभ को पकड़ रखे हैं। आप लोग बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, जल्दी बैठिए। अभी हम 5 मिनट का ही बात करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे। जय धर्मेश, जोर से बोलिए जय धर्मेश, जय सरना, जय सरना। मैं आज एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं और इस संदेश को काफी लोगों को दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है। मैं करीब करीब 2 साल से लगातार कंटिन्यू सरना समाज और सरना परिवार और सरना में जा जाके और समाज के जितने भी संगठन है हर जगह पर जा के मैं यही देखने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे समाज आज किस दिशा की ओर जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, कहां पर हमारा समाज का रजिस्टर मेंटेनेंस है, कहां पर आय व्यय का सही आय व्यय का जानकारी है। ऐसे हम संगठन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वर्षों से चल रहा है वहां पर भी इस तरह से संगठन मजबूती स्तर पर या विश्वास नहीं दिलाने की वजह से आज कहते हैं कि दादा हम किसके साथ में चलेंगे, सब तो गड़बड़ किया है, तो मैं भी गड़बड़ करूंगा। इसलिए गड़बड़ करूंगा, अगर जहां सत्य से हम बिक गए उस समय हम लोग भी गड़बड़, हम भी गड़बड़ करना शुरू करेंगे। इसीलिए आप लोग को चलना है, अगुवाओं के पीछे ज्यादा नहीं भागना, आपको भागने की जरूरत नहीं है। हमको किसके बीच पीछे चलना है? सरना माँ के हाथ ऐसे अंगुल कीजिए, किसके चलना है, किसके चलना है? सरना माँ की तरफ चलना है। इसके पीछे चलोगे और थाके नहीं जाओगे। अगर अगुवाओं के पीछे चलोगे तो आज न कल मैं भी राजनीति में जा सकता हूँ, मैं भी ठगने का काम कर सकता हूँ, मैं भी लोभ में फंस सकता हूँ। इसीलिए मेरे पीछे भी आने का आवश्यकता नहीं है, हम सारे को सरना माँ की तरफ चलना चाहिए। हाथ कीजिए एक बार सारे लोग, किसके पीछे चलना है? सरना माँ की तरफ। माँ के लिए ताली बजा दीजिए, तब ठगोगे नहीं। यहाँ ठकने ठकाने वाले नहीं है, वहां से केवल मिलेगा ही मिलेगा। और असत्य को पकड़ के रखोगे तो आप ठकाओगे। हम सारे असत्य है, धर्मेश ही एक सत्य है। और मैं इस YouTube के माध्यम से मैं सारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मैं एक, आज ही मेरा निर्णय हुआ कि मैं एक नया और अच्छा ऐसे टीम तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे हमारे समाज में आज भी अलग अलग गुटों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को खाली कमियां निकाल रहे हैं और एक दूसरे को खाली एक अगला आदमी कर रहा था, अगला खिसा रहा है, ये काम कर रहा है, ये खिसा रहा है। मुकेश जी अगर धर्म का काम कर रहा है तो सोमरा जी खिसा रहा है, और सोमरा जी काम कर रहा है तो मुकेश खिसा रहा है। इसी तरह से आज हमारे समाज हो रहा है, हो रहा है सर, इसी तरह हो रहा नहीं हो रहा है? लेकिन मैं बता रहा हूं, एक मैं नया टीम तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें किसी के साथ में मैं ना आलोचना करूंगा, ना शिकायत करूंगा, और ना ही मैं किसी का बुराई करूंगा। मैं अच्छाई और बुराई से ऊपर उठ के काम करूंगा। तालियां बजा दीजिए एक बार। क्या बता रहा हूँ? अच्छाई और बुराई। मैं किसी का निंदा नहीं करूंगा, किसी का शिकायत नहीं करूंगा, और करना भी तो कहाँ, किसको करूंगा? माँ को। किसको करूंगा? माँ को करूंगा। और माँ से कहूंगा, हे माँ मेरे अंदर में ताकत नहीं है, आप मुझे ताकत दो तो उनका हृदय को मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, उसका हृदय को मैं अच्छा कर सकता हूँ।
तो मैं नया टीम तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उस टीम का यही काम करेगा कि समाज को संगठित करेगा और जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे कि हम लोग एक साथ चले। तो मेरे साथ कितने लोग चलना चाहते हैं, हाथ उठाइए थोड़ा सा। मेरे साथ मतलब समाज के साथ में चले, ताले बजा दे एक बार। तो मैं उस नाम को बताने जा रहा हूं जो नाम है आदिवासी सत प्राकृतिक सरना परिवार। क्या बताएं? आदिवासी सत प्राकृतिक सरना परिवार। एक बार ताले बजा दीजिए सब। अगर ये नया टीम में किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो मुझे संपर्क करना, सुधार किया जा सकता है। लेकिन ये चिंतन मंथन बहुत दिन के बाद में इस तरह से एक बात निकला है जिससे कि ये संगठन विश्व लेवल में काम करेगा। क्योंकि अभी मैं रोहतासगढ़ गया था, उस रोहतासगढ़ का जो मेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अभी BBC के द्वारा जो संचालित हो रहा है और संचालित होकर अभी विश्व में मेरे माध्यम से तो जा ही रहा था, लेकिन अभी दूसरे चैनल से, दूसरे लोगों के चैनल से भी अभी विश्व में शुरू हो गया। इसीलिए मैं ऐसे नाम का नियुक्त कर रहा हूं जिसमें कि आदिवासी सत प्राकृतिक सरना परिवार। एक बार ताल बजा दीजिए। तो चलिए एक बार और ऊर्जा भरते फिर समाप्त करते हैं। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय आदि शक्ति, जय आदि शक्ति, जय सरनामा। लंबा आप लोग भी बोलना ठीक है ना, जय सरनामा। आप लोग सारे भाई अंदर आपके अंदर पवित्रता आएगी, आपके सुख दुख में दोनों समय में भगवान कृपा करेगा। साल एक बार बोलना जोर से, जय सरनामा। धन्यवाद मुकेश जी, मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।